क्या हाल है रोशनी जी, कैसा रहा आज का दिन? I'm sorry यार, बहुत लेट हो गया आज मैं। मुझे लगा ऑफिस से जल्दी फ्री हो जाऊंगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। Damn. Anyhow, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा दिन कैसा रहा? ज्यादा बोर तो नहीं हुए मेरे बिना? एक बात कहूं रोशनी, आजकल किसी काम में मन नहीं लगता यार। जहां जाऊं जो करूं, हर बात में हर चीज में सिर्फ तुम दिखाई देती हो, सिर्फ तुम महसूस होती हो। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो यार? हंसने वाली कौन सी बात है इसमें? क्या लगता है तुम्हें, पागल हो गया हूं मैं? ये पागलपन है ना? सच कहूं तो ये पागलपन ही है, लेकिन ये पागलपन आज का नहीं है, तब का है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था। याद है? याद है तुमने मुझे तुम्हारी गाड़ी में बिठा के पूरा मुंबई घुमाया था? यू रिमेंबर? अरे यार, नाराज होने वाली क्या बात है, चल ठीक है, जबरदस्ती घुस गया था मैं, कौन सी बड़ी बात। वैसे रोशनी, कितनी सारी यादें हैं ना हमारी, कितने सारे पल हैं, मेमोरीज। वो कॉटन कैंडी याद, वो साइकिल पे मुंबई दर्शन। अरे मुझे मेरे हाथ को चोट लग गई थी, तुमने कितने प्यार से मुझे खाना खिलाया था। सच में रोशनी, मैं उस खाने का स्वाद कभी भूल नहीं सकता, वो इस पूरी दुनिया का सबसे बकवास खाना था। पैथेटिक। मजाक कर रहा हूं यार, मजाक कर रहा हूं, नाराज मत। आज भी भूखा हूं रोशनी, बहुत भूखा हूं। एक बार फिर से उसी प्यार से जो वही खराब खाना खिला दो। अब वापस चली आओ यार। मैं जानता हूं तुम अब भी मुझसे बहुत नाराज हो, क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोले, एक बार नहीं कई बार। लेकिन यकीन मानो रोशनी, वो एक एक झूठ सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता था, हमारे रिश्ते को बचाना चाहता था, इसलिए था क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को एक कर दूंगा। अब देखो सब मिल गए, सभी खो गए। आगे बढ़ गया, बस मैं रह गया।